नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर, हीरो पावर हाउस के कर्मचारियों में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल दिखा जब संविदा कर्मचारियों ने हीरो पावर हाउस में धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि दो दिन पूर्व में भी संविदा कर्मचारियों ने लखनऊ में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। इसी को लेकर आज रायबरेली जिले के हीरो पावर हाउस में कार्यरत संविदा कर्मचारियों ने एक विशाल धरना प्रदर्शन किया, जिसमें उन लोगों ने यह नारा भी लगाया कि हमारी मांगे पूरी हों। और उन संविदा कर्मचारियों ने एक लिखित प्रार्थना पत्र लिखकर हीरो एसडीओ को दिया, जिसमें उन सभी कर्मचारियों ने अपनी मांगे रखी कि हम लोगों का वेतन बढ़ाया जाए, नहीं तो लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं धरने में मौजूद सम पावर रीडर ने बताया कि हम लोगों का सब रजिस्ट्रेशन हुआ था तो कहा गया था कि 9,500 रुपए वेतन प्रति महीना दिया जाएगा, लेकिन हम लोगों को कभी 6,000 तो कभी 3,500 ही दिया जा रहा है। और इस तरह की बढ़ती महंगाई में हम लोग अपने परिवार चलाएं कि खुद का खर्चा है। साथ ही बताया जा रहा है कि हम लोग 8-8 घंटे बराबर नौकरी कर सभी मीटरों का बिल निकालते हैं, जिसमें हमारी गाड़ी का पेट्रोल खर्चा भी नहीं निकलता है। और साथ ही अन्य मांगों को लेकर हीरो एसडीओ और लालगंज एसडीओ को लिखित ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर पावर हाउस हीरो में मौजूद लालगंज समस्त मीटर रीडर धर्मेंद्र कुमार, ज्ञानेंद्र पांडे, अरविंद यादव, मोहित रावत, महेंद्र चौहान, दिलीप कुमार आदि कई लोग मौजूद रहे। हम मीटर रीडर हीरो पावर हाउस से काम करते हैं और हीरो सब डिवीजन, इसलिए हम लोगों को जो वेतन दिया जाता है, कभी 4,000 दिया जाता है, कभी 3,500 दिया जाता है, तो कभी 6,000 दिया जाता है, कभी 6,500 दिया जाता है। इस तरह से हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग कार्य बहिष्कार कर दिया गया है। लालगंज पावर हाउस, खीरो पावर हाउस, सरेनी पावर हाउस, मलके गांव पावर हाउस, सभी मीटर रीडर कार्य बहिष्कार कर दिए हैं। तो जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम लोग कोई कार्य नहीं करेंगे। कंपनीज को भी लेटर भेज दिया गया है, हर पावर हाउस में अपना अपना लेटर, मतलब जो भी दिक्कतें हमारी समस्याएँ हैं, हम लेटर एसडीओ साहब को और एक्सियन साहब को और सरेनी एसडीओ को और खीरो एसडीओ को हम देने जा रहे हैं। और अगर हमारा लेटर स्वीकार करेंगे तो ठीक है, नहीं हम कंपनी को लेटर फैक्स द्वारा भेजेंगे। तो हमारी जो भी मांगे हैं पूरी की जाए। और तथा मोबाइल जो होता है, मोबाइल हमारा 3-4 महीना चलता है, उसके बाद मोबाइल नहीं चल पा रहा है, मोबाइल हैंग करता है। 14,000-15,000 का मोबाइल लो, 6,500 की सैलरी में हम लोग कहाँ से काम कर पाएंगे। प्रिंटर होता है, प्रिंटर ख़राब हो जाता है। सभी मीटर रीडर भाई हमारे समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। कंपनी बोलती है अपना पैसा खर्चा करो, 6,500 रुपये में अपना प्रिंटर भी लो और मोबाइल भी खरीदो, काम करो। तो भाई पेट्रोल भी उसी में खर्चा है, सभी खर्चा उसमें है। तो इतने में, इतने पैसे में हम लोग काम नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग कार्य बहिष्कार कर दिए हैं। और कंपनी ने जब भी एग्रीमेंट हम लोग कराया था, वो बोला था 9,400 रुपया आपका वेतन मिलेगा, तो 9,400 रुपया वेतन हम लोग को आज तक नहीं मिला है। बल्कि प्रो केबल इतना जाम नहीं था, अब प्रो केबल से बिलिंग करो, ऐसा करो, बिलिंग इतनी लिखित मांगी जा रही, हम लोग इतना काम कर रहे हैं तो हम लोगों को उतना वेतन नहीं मिल रहा है। अब ट्रांसफार्मर वाइज बिलिंग करा रहे हैं, उसमें भी काफ़ी लिखित मांगी जा रही है। इस लोग हमें सभी भाई लोग कार्य बहिष्कार कर दिए हैं कि इतने पैसों में हम लोग काम नहीं करेंगे। और किसी भाई को बोलना है, आगे बोले।